हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ, पनीर टिक्का सैंडविच। ये ओपन सैंडविच है। आपने सैंडविच तो बहुत तरह के खाए होंगे, पर यह सैंडविच आपने शायद ही खाया होगा। इसका टेस्ट सभी सैंडविच से बिल्कुल अलग है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे तंदूरी मसाला। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी ली है। अभी बारिश का मौसम है तो आप इसे रोस्ट करके डालें। 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच सूखा पुदीना, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच सादा नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अब इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप कोई सा भी तेल इसमें यूज़ कर सकते हैं। सरसों के तेल की इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इसे हम मिक्सर में ग्राइंड करेंगे और बारीक पाउडर बना लेंगे इसका। मैंने मसाले को थोड़ा सा चटपटा बनाया है तो इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और मिक्स किया है। तो देखिए, ये तंदूरी मसाला तैयार हो गया है। मतलब इसमें मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर यूज़ किया है। आप चाहें तो मार्केट का भी तंदूरी मसाला यूज़ कर सकते हैं, पर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अब हम ग्रीन चटनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है, 1 इंच अदरक, 2 बड़े चम्मच सूखा हुआ पुदीना और कुछ हरा धनिया। मेरे पास फ्रेश पुदीना नहीं था इसलिए मैंने सूखा हुआ पुदीना यूज़ किया है। आप फ्रेश पुदीना भी यूज़ कर सकते हैं। सभी चीज़ को हम जार में डाल देते हैं। ये मैंने धनिए के साथ कुछ बारीक डंडियाँ भी काटी है धनिए की, इससे चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/4 सादा नमक। आवश्यकता अनुसार इसमें पानी डालेंगे और मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। पानी इतना ही डालना है कि चटनी पिसा जाए। देखिए, ये हरी चटनी तैयार हो गई है। अब हम इसे 2 बाउल में निकाल लेते हैं। ये वाली चटनी हम साइड में रख देंगे और इसका यूज़ करेंगे। इसका टेस्ट अच्छा बनाने के लिए हम इसमें 2 चम्मच मेयोनीज डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1 चम्मच और डालेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये हो गई है चटनी तैयार। अब हम सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक रेगुलर ब्रेड ली है। ये मैंने होममेड बटर बनाया है। अगर आपको इसकी रेसिपी देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, आप देख सकते हैं। तो अब हम ब्रेड पर बटर लगाएंगे। बटर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है। अब इस पर हमने जो हरी चटनी बनाई थी मेयोनीज वाली, वो चटनी लगाएंगे। चटनी आपको इसमें अच्छे से लगानी है। अब हम इसमें पनीर के क्यूब्स रखेंगे। क्यूब्स आपको बहुत ज़्यादा बड़े नहीं काटना है। आप इसे आसानी से खा सकें आप उतने ही बड़े इसे काटें। वेजिटेबल्स आपको इस तरह से लगाना है कि जब आप सैंडविच काटें तो 4 पीस में ये आसानी से कट जाए। अब हम इसमें प्याज लगाएंगे। प्याज को मैंने इस तरह से काटा है स्क्वायर में। इसी साइज में मैंने टमाटर काटे हैं तो चारों साइड हम टमाटर भी लगा देंगे। शिमला मिर्च लगाएंगे। अब हम इस पर तंदूरी मसाला डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें, इस पर चीज़ डालेंगे। चीज़ मैंने नॉर्मल लिया है और चीज़ हमें इस तरह से डालना है कि सारी वेजिटेबल्स अच्छे से कवर हो जाए।
आप थोड़ी सी इसमें मोजरेला चीज़ भी डाल सकते हैं, पर ये नॉर्मल चीज़ आप ज़रूर डालें क्योंकि इससे सैंडविच में क्रीमी टेस्ट आएगा। इस पर मैं स्लाइस रख रही हूँ, मेरे पास मोजरेला चीज़ नहीं है इसलिए मैं स्लाइस रख रही हूँ। आप कोई भी चीज़ इसमें यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम इस पर वापस तंदूरी मसाला डालेंगे, काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास काली मिर्च पाउडर नहीं है तो आप तंदूरी मसाला बनाते समय साबुत 8 से 10 काली मिर्ची इसमें डाल दें। ये हमने सैंडविच रेडी कर लिया है, अब हम इसे कुक कर लेते हैं। अभी मैंने गैस चालू नहीं किया है। पैन में सबसे पहले हम घी या बटर लगाएंगे, तो मैंने यहाँ पर घी लगाया है, हल्का सा लगाना है ताकि ब्रेड क्रिस्पी रहे। अब हम इस पर जो हमने सैंडविच बनाया है वो रख देंगे। गैस की फ्लेम चालू कर देंगे और इसे हम स्लो फ्लेम पर रखेंगे और कवर कर देते हैं। इसे हम चीज़ मेल्ट होने तक पकाएंगे। तो देखिए चीज़ मेल्ट हो गया है, अब हम इसे खोल के देखते हैं। वाओ कितना यम्मी लग रहा है, तो जल्दी से हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देखिए कितना यम्मी लग रहा है ये और कितना क्रीमी क्रीमी लग रहा है। तो हम इसे अब 4 पीस में कट कर लेते हैं। फिर से हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे और जो सेकेंड सैंडविच है हमारा वो भी बनने के लिए हम रख देते हैं। तो इसी तरह से आप सभी सैंडविच बना लें। अब फ्रेंड्स हमने पनीर टिक्का सैंडविच बनाया है, तो इसके साथ हमें ग्रीन चटनी भी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये जो साइड में चटनी रखी थी उस चटनी में मैं 2 चम्मच दही डाल रही हूँ। ये हो गई है हमारी सैंडविच चटनी तैयार। तो आप इसमें सैंडविच को डिप करके खाएं और सबको खिलाएं।